बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बेटा आज का जो टॉपिक है ये कोर्स में बाकायदा अलग से एड हुआ है, वैसे पहले भी था, इन्वेंट्री वैल्यूएशन। ठीक है, ये हमारे आज का नया टॉपिक है इन्वेंट्री वैल्यूएशन। पहला सवाल तो ये पता होता है, पता है इन्वेंट्री किसे कहते हैं? नंबर वन क्वेश्चन, पहला सवाल ये पता होता है इन्वेंट्री किसे कहते हैं। जी बेटा इन्वेंट्री किसे कहते हैं? सर स्टॉक होता है जो हम रीसेल करने के लिए खरीदते हैं। एक्सीलेंट, हर वो चीज जो हमने रीसेल करने के लिए खरीदी, आगे सेल करने के लिए खरीदी, आगे बेचने के लिए खरीदी, वो हमारे पास अगर बिकी नहीं है अभी तक, बच गई है, तो वो क्या कहलाती है? इन्वेंट्री। ठीक है, अगर वो बिकी नहीं है तो हमारे पास क्या कहलाती है? वो इन्वेंट्री कहलाती है। ठीक है, नॉर्मली हम जो भी चीज़ खरीदते हैं बेचने की नीयत से उसको प्यार से कहते हैं इन्वेंट्री, और हकीकत में इन्वेंट्री का माल मतलब होता है वो माल जो बिका नहीं, जो बच गया हमारे पास। ठीक, अच्छा इन्वेंट्री वैल्यूएशन का क्या मतलब है? इन्वेंट्री वैल्यूएशन का मतलब ये है कि इन्वेंट्री को कैसे वैल्यू किया जाएगा। मतलब आपके पास साल के आखिर में माल बच जाता है, उसकी मॉनेटरी वैल्यू क्या होगी? जब आप इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो इनकम स्टेटमेंट में जब क्लोजिंग इन्वेंट्री लिखेंगे उसके आगे आप लिखते हैं 2000, 3000, 4000, तो उसकी मॉनेटरी वैल्यू क्या होगी? तो वैसे नॉर्मली हम क्या करते हैं, इन्वेंट्री को लिखते हैं कॉस्ट पे। किस पे लिखते हैं? इन्वेंट्री को हमेशा लिखते हैं कॉस्ट पे, जितने की वो हमें पड़ी। नॉर्मली हमारा रूल क्या है, आपने पढ़ा होगा हिस्टोरिकल कॉस्ट, एक कॉन्सेप्ट है हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हर चीज को आपने इनिशियली कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है, चाहे आप कोई नॉन करेंट एसेट खरीदें, चाहे आप इन्वेंट्री खरीदें। तो समटाइम ऐसा भी होता है कि जब आप एक चीज़ खरीदते हैं और फिर उसको आगे बेचते हैं तो सेलिंग प्राइस कुछ और होती है और उसकी कॉस्ट प्राइस कुछ और होती है। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि इनिशियली आप जब भी कोई चीज़ परचेज करेंगे हमेशा कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे, कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे। इसीलिए आपने देखा होगा मशीनरी का अलग से एक अकाउंट बनाते हैं, कॉस्ट अकाउंट अलग से बनाते हैं और डेप्रिसिएशन का अकाउंट अलग से बनाते हैं। तो इनिशियली हर चीज हमेशा किस पे रिकॉर्ड होती है? इनिशियली जब आप परचेज करने जाते हैं तो वो कॉस्ट पे रिकॉर्ड होती है इनिशियली। लेकिन आपको एक साल हो गया, आपको दो महीने हो गए, तीन महीने हो गए, अब क्या होगा? तो यहाँ प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है, और एक IAS है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। IAS का तो आइडिया है ना आपको, IAS इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, मैंने बताया था आपको इस बारे में। जी सर। IAS ये कहता है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक है जो स्पेशली इन्वेंट्री के ऊपर है, जो स्पेशली इन्वेंट्री के ऊपर है, वो ये कहता है, IAS 2 से कहते हैं, मैं लिख देता हूं, IAS 2 स्पेशली ये इसके ऊपर बना हुआ है, आपका इन्वेंट्री के ऊपर बना हुआ है, पूरा इन्वेंट्री के ऊपर बात करता है, आपके कोर्स में नहीं है वैसे, आइडिया दे रहा हूं। वो ये कहता है कि जितनी भी आपके पास माल बच जाता है आपने क्या करना है, रिव्यू करना है उसकी मॉनिटरी वैल्यू को, रिव्यू करना है, और आपने जब उसको रिकॉर्ड करना होगा तो कॉस्ट, मैं लिख देता हूं पूरी बात लिख देता हूं, वो ये कहता है लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू। एक्चुअली नेट रियलाइज वैल्यू क्या, ये भी लिख देता हूं, नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या है, ये भी लिख देता हूँ, एक मिनट कीजिएगा। ये है एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस, माइनस सेलिंग एक्सपेंस। और से सुनिएगा मेरी बात, अब जरा और सुनिएगा, सुनने वाली बात है। IAS 2 इन्वेंट्री के ऊपर बना है, ये कहता है कि आपने इनिशियली तो कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है जब भी आप एक चीज बाय करने जाते हैं, ठीक, भले उसकी सेलिंग प्राइस कुछ भी हो, लेकिन सब्सिक्वेंटली बाय करने के बाद अब वो माल आप आगे बेच रहे हैं, पड़ा रह गया आपके पास, बच गया, तो वो कहते हैं सब्सिक्वेंटली आपने क्या करना है, दो चीजों को रिव्यू करना है, एक कॉस्ट को और एक NRV को। क्या मतलब? देखिए हमारे पास क्या होता है, मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने एक मोबाइल खरीदा,
मैंने मोबाइल खरीदा, मोबाइल की कॉस्ट थी कितनी, 10,000, और नॉर्मली मैं इसको आगे सेल करता हूँ कितने का, 13,000 का सेल करता हूँ, ठीक है। मैंने मोबाइल खरीदा, मोबाइल की कॉस्ट कितनी थी बेटा, मोबाइल की हमारे पास कॉस्ट आ रही थी अल्लाह भला करे 10,000, और इसको आगे मैं सेल करता हूँ 13,000 रुपए का। वो मोबाइल हो गया डैमेज, वो मोबाइल मेरे हाथ से गिर गया, डैमेज हो गया। अब डैमेज होने के बाद क्या हुआ, जाहिर सी बात है मैंने उसको रिपेयर वगैरह करवाया, और रिपेयर करवाने के बाद अब मुझे लगता है, जाहिर बात है वो नई चीज़ नहीं है, अभी जो मोबाइल नया होता है उसका एक लुक होता है। डैमेज होने के बाद मैंने उसको ठीक तो करवाया, लेकिन कभी टच काम नहीं कर रहा, कभी उसके वॉइस में मसला आ रहा है। अब अगर मैं बेचने जाऊंगा तो क्या ख्याल है, 13,000 का बिक जाएगा वो? नॉर्मली बिल्कुल नया मोबाइल 13,000 का बिक जाता है, अब अगर मैं बेचने जाऊँ 13,000 का बिक जाएगा वो? मेरा आपसे सवाल है। नो, आप सही फरमा रही हैं, जब बिल्कुल नया मोबाइल, व्हेन देयर इज नो एरर, नो स्क्रैच, नो डैमेज, 13,000 का बिकता है। एक मोबाइल जो आपका डैमेज हो चुका है, आपने रिपेयर तो कर दिया है लेकिन टच काम नहीं कर रहा, उसका कैमरा काम नहीं कर रहा, तो वो मैं बोलता हूँ हार्डली फोर सपोज वो 9,000 का बिकेगा, अगर मैं इसको बेचने जाऊँ 9,000 का बिकेगा। ये जो 9,000 में लिखी है ना, इसको कहते हैं NRV। अभी बेचा नहीं, हम बेचेंगे इसको अगर बेचने जाएं। NRV का मतलब क्या है, अगर मैं एक चीज बेचने जाता हूँ तो मेरे जेब में कितना पैसा आएगा, मेरे जेब में कितना पैसा आएगा। जाहिर है जब आप एक चीज बेचने जाते हैं तो आपको समटाइम अलग से खर्चा भी करना पड़ता है, कभी कभार अलग से कमीशन भी देना पड़ता है अगर बेचना मुश्किल हो, अगर वो डैमेज हो गई तो रिपेयर भी कराना पड़ेगा तब जाके बिकेगा। तो NRV का मतलब क्या है, मेरे जेब में कितना पैसा आएगा। तो अभी सिंपल बता रहा हूँ मैं आपको, सिंपल, एक चीज मैंने 10,000 की खरीदी थी, 13,000 की बेचता हूँ, लेकिन हालात ऐसे हो गए, वो डैमेज हो गई, उसमें प्रॉब्लम आ गई, अब अगर मैं उसको बेचूंगा तो वो 9,000 की बिकेगी। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट भी और IS2 भी एक प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है, वो भी प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है जो लॉस है वो आज रिकॉर्ड करो। तो मुझे बताएं 10,000 की चीज है, अगर मैं बेचने जाऊंगा तो मुझे 9,000 रुपए का वो बिकेगा, तो मुझे बताएं कोई लॉस हो रहा है, नहीं हो रहा, मुझे बताएं इसमें कोई लॉस हो रहा है, नहीं हो रहा। 10,000 की चीज है, हाँ ठीक है, 1,000 रुपए का इसके अंदर मुझे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, 1,000 रुपए का मुझे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट भी ये कहता है कि जो एक्सपेक्टेड, अभी बेचा नहीं है मैंने, एक्सपेक्टेड है कि मैं इसको बेचूं तो मुझे 1,000 का लॉस हो। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट भी ये कहता है जो भी एक्सपेक्टेड लॉस है वो आज ही रिकॉर्ड करो, वो आज ही रिकॉर्ड करो। और IS2 भी ये कहता है कि आपने क्या करना है, वक्तन फोक्तन दो काम करने हैं, एक कॉस्ट और एक NRV। कॉस्ट ये रही 10,000 और NRV ये रही आपकी 9,000। तो वो ये कहता है इन दोनों को रिव्यू करो, जो कम है उस पर इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करो। तो अब एक सवाल पैदा होता है पेपर में, एक सवाल तो ये आता है कि व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, अगर वो चीज मैंने 10,000 रुपए के हिसाब से लिखी हुई इन्वेंट्री में, तो ये बताया अब उसकी वैल्यू क्या होगी। तो मुझे बताएं दोनों में से कम कौन सा है, 10,000 है या 9,000 है? तो सर दोनों में से कम 9,000 है। तो अब अगर मुझसे कोई पूछे ये जो माल है आपके पास 10,000 रुपए का, इसकी वैल्यू क्या है, तो मैं बोलूंगा उसकी वैल्यू कितनी है, 9,000 है। इन शॉर्ट इस 10,000 रुपए से हम 1,000 रुपए क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट भी ये कहता है कि जो एक्सपेक्टेड लॉस है वो आज रिकॉर्ड करो, और IS2 भी ये कहता है कि आपने वक्तन फक्तन इन दो चीजों को चेक करना है, दोनों में से जो कम है उस पर इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करना है। मैं जरा एक और एग्जाम्पल देके समझाता हूँ, फिर मैं डिटेल में बात करूंगा, अभी छोटी सी एग्जाम्पल दे रहा हूँ। देखो मेरे पास दो आइटम है, एक है ए एक है बी, इसकी कॉस्ट भी लिख देता हूँ, और इन दोनों को अगर मैं बेचूंगा तो नेट जेब में कितना पैसा आएगा, नेट कितना आएगा जेब में, ये भी लिख देता हूँ। ये मैंने खरीदा था 10,000 रुपए का, ये मैंने खरीदा था 12,000 का, ठीक है। इसकी जो NRV है वो आ रही है फॉर सपोज 8,000। अच्छा NRV कम क्यों आ रही है सर, क्या वजूहत है? तो देखिये नॉर्मली तो हमारे पास NRV ज्यादा ही होती है, अगर आप एक चीज को बेचो तो महंगा ही बेचोगे, लेकिन कुछ हालात होते हैं जिनकी वजह से आपके पास NRV कम आ रही होती है कॉस्ट से। वो हालात क्या है कि वो डैमेज हो गया, मैं लिख देता हूँ, कभी कभार आपका एक आइटम डैमेज हो जाता है, कभी कभार कोई आइटम आपका आउट ऑफ फैशन हो जाता है, कभी कभार मार्केट में कोई आपका कंपेटिटर आ जाता है, तो आपको फिर चीज सस्ती बेचनी पड़ती है वरना स्टॉक आपका जमा हो जाएगा, सिचुएशंस हो सकती हैं। कभी कभार आपका आइटम पड़ा पड़ा था और आपकी वारंटी खत्म हो गई, वैसे सेलिंग प्राइस हमेशा हाई होती है, कोई भी चीज आप खरीदते हो उसको महंगा ही बेचते हैं, लेकिन समटाइम्स सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि आपको सस्ता बेचना पड़ जाता है।
ठीक है, डैमेज हो गया रिपेयर करके बेचेंगे, आउट ऑफ फैशन हो गया, अब बिकेगा ही नहीं, सस्ता बेचना पड़ेगा लोगों को इनकरेज करने के लिए, वारंटी खत्म हो गई, कंपेटिटर आ गया, आपने फिर लॉस लीडर पे प्राइस, लॉस लीडर प्राइसिंग रख ली, तो ये सिचुएशंस आ सकती हैं। तो मेरे पास एक आइटम ए है उसकी कॉस्ट 10,000 है और उसकी एनआरवी 8,000 है, एक आइटम बी है उसकी कॉस्ट 12,000 है और एनआरवी जो है हमारे पास कितनी आ रही है उसकी, फोर सपोजर्स की एनआरवी आ रही है 9,500। मेरे पास जो अभी इन्वेंट्री आ रही है वो आ रही है 22,000 के हिसाब से। अभी जो मेरे पास इन्वेंट्री है ये दो ही आइटम है और मेरे पास जो इनकम स्टेटमेंट में जो इन्वेंट्री वैल्यू लिखी है मैंने लिखी है 22,000। अब वो आपसे सवाल करेगा व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम चेक करेंगे, सबसे पहले ये चेक करेंगे 10,000 है ये 8,000 है, दोनों में से कौन सा कम है सर, 8,000 कम है, तो मैं 8,000 को लिख लेता हूँ, इधर आ जाए, ये 12,000 है ये 9,000 9,500 है, कौन सा कम है सर, सर इसमें ये 9,500 कम है, मैं 9,500 पे इसको लिख लेता हूँ और इसका टोटल कर लेता हूँ, तो बेटा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 17,500। तो मेरे पास जो इन्वेंट्री की वैल्यू आएगी वो ये वाली आएगी 17,500 आएगी, ठीक है। अगर एनआरवी ज्यादा हो तो कुछ भी नहीं करेंगे फिर कॉस्ट पे लिखेंगे, लाइक फॉर सपोज अगर एनआरवी यहाँ पे 8,000 की जगह पे यहाँ पे इसकी एनआरवी दे देता कितनी, अल्लाह भला करे ये दे देता 13,000, तो सर क्या करते हैं, तो IS2 कहता है जो दोनों में से कम हो, ये नहीं कि एनआरवी पे ही लिखना है हमेशा, नो, दोनों में से जो कम हो, और प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है एक्सपेक्टेड लॉस रिकॉर्ड करना है, गेन नहीं, एक्सपेक्टेड लॉस, गेन तब रिकॉर्ड करो जब उसको बेचो, अभी बेचा नहीं है उसको, अभी सिर्फ रिव्यू कर रहे हैं। तो अगर इस तरह हो जाए तो क्या करेंगे सर, तो फिर हम इसको 10,000 पे ही लिखेंगे, फिर इसको हम 10,000 पे ही लिखेंगे, क्योंकि वो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, कम आ रही है। तो ये अच्छी तरीके से सुन लें कि हमारे पास IS2 क्या कहता है, दोनों में से जो कम हो उस पर रिकॉर्ड करना है, ये नहीं कि एनआरवी को देखना है, कम है तो ठीक है ज्यादा है तो वो भी रिकॉर्ड करेंगे, ऐसे नहीं। यहां तक मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक। अब सुनिएगा बेटा, समटाइम पेपर में वो एनआरवी नहीं लिखता, वो सेलिंग प्राइस लिख देता है, एक आइटम जो है वो इतने का है और उसकी सेलिंग प्राइस ये है, अगर सेलिंग प्राइस कम है तो आपने फिर उस पर लिखना होगा, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, रिवाइज हो जाएगी। और समटाइम पेपर में क्या करता है, वो आपको क्या करेगा, वो आपको बोलेगा एक आइटम है उसकी कॉस्ट है 10,000, एनआरवी नहीं देगा, आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी और आपको बोलेगा ये आइटम क्या हो गया, डैमेज हो गया, ये आइटम क्या हो गया, डैमेज हो गया, अब क्या होगा सर, अब इसको कराना पड़ेगा रिपेयर, और आपको बोलेगा रिपेयर कराने का खर्चा आएगा कितना, 2,000, और रिपेयर कराने के बाद अगर मैं इसको बेचूंगा, रिपेयर कराने के बाद अगर मैं इसको बेचूंगा तो ये बिकेगा 11,000 का, रिपेयर कराने के बाद इसको बेचूंगा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ एनआरवी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, एनआरवी का मतलब क्या होता है जहन में बिठा लें, एनआरवी का मतलब ये होता है इसको बेच के कितने पैसे मिलेंगे, जेब में कितने आएंगे, अगर मुझे इसको बेचने के लिए एडिशनल खर्चा करना पड़ा है वो माइनस करूंगा। तो आप खुद सोच लें कि एक आइटम है आप उसको बेच रहे हैं 11,000 का, लेकिन आपको 2,000 रुपए का खर्चा भी करना पड़ रहा है, ये इस बेचने की वजह से हो रहा है, तो मुझे बताएं नेट जेब में कितने पैसे आए। बहुत आसान है सर, हम क्या करेंगे, जो हमारी एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस है उसमें से ये रिपेयर कॉस्ट माइनस कर देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 9,000, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 9,000 आ जाएगा, ये 9,000 हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास एनआरवी आ गई इसकी, और हमारे पास ये 10,000 की आ गई, कॉस्ट आ गई। अब पेपर में सवाल आया इसकी वैल्यू क्या होगी, तो हम लिखेंगे 9,000, ठीक है, इसकी कोई एंट्री नहीं होती, जो भी एक्सपेक्टेड लॉस होता है उसकी कोई इन्वेंट्री एंट्री नहीं होती, कोई ट्रांजेक्शन नहीं पास की जाती, जस्ट इन्वेंट्री की वैल्यू को रिवाइज कर लिया जाता है, जो भी आपका क्लोजिंग स्टॉक है उसकी वैल्यू को रिवाइज कर लिया जाएगा। यहां तक मेरी बातें क्लियर है, मेरे कंफर्म करें मेरी बातें आपको क्लियर है सारी। 9,000 समझ में नहीं आया जो आपने माइनस किया, 11,000, ये देखिए मैंने ऊपर ऑप्शन में फॉर्मूला लिखा है, मैंने लिखा है एनआरवी का मतलब क्या होता है, आपके जेब में कितना पैसा आया, तो जो आपकी एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस है आप पहले वो लिखें, अगर फर्दर कोई खर्चा करना पड़ रहा है माल को बेचने के लिए, सर फर्दर क्या खर्चा करना पड़ सकता है, कभी कभार कमीशन देना पड़ता है, कभी कभार जो है उसकी रीपैकेजिंग करनी पड़ती है, पुरानी पैकेजिंग हो जाती है, कभी कभार रिपेयर कराना पड़ता है आइटम को बेचने के लिए, अगर डैमेज हो गया हो तो वो भी आपने माइनस करना होगा। तो नेट ये लिखे, ये नेट लिखा हुआ है,
रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, और इसको मैं दूसरे लफ्ज में कहूँ तो ये है नेट सेलिंग प्राइस। इसको अगर इसको दूसरे लफ्ज में लिखूँ तो ये इस तरीके से नेट सेलिंग प्राइस, मतलब आपके जेब में उसको सेल करके कितना पैसा आया, इसको मैं इस तरह भी कह सकता हूँ। तो नीचे मैंने कहा ये आइटम डैमेज हो गया था, डैमेज हो गया तो ये कोई खरीदता ही नहीं। आप खुद सोचें कि मोबाइल डेड है, आप लेंगे नहीं लेंगे, तो उसको रिपेयर करवाया 2000 रुपये का और उसके बाद ये बिकेगा 11000 रुपये का। तो नेट जेब में कितना पैसा आया, 11000 रुपये उसकी सेलिंग प्राइस है, 2000 रुपये खर्चा करना पड़ रहा है ताकि ये सेलिंग प्राइस मिले, नेट आपके जेब में पैसा आया 9000 रुपये। तो ये 9000 क्या है हमारे पास एनआरवी है। तो ये ऊपर वाले फॉर्मूले से ये सारा मैंने किया है। यहाँ तक बातें क्लियर है मेरी? अब आते हैं सवाल की तरफ, आते हैं। जी बेटा, पहला सवाल बोला इन कनेक्शन विद इन्वेंट्री वैल्यूएशन व्हाट इज मेंट बाय नेट रियलाइजेबल वैल्यू। बेटा क्या नेट का वर्ड है, रियलाइजेबल वैल्यू का नॉर्मली मतलब होता है सेलिंग प्राइस, पर यह नेट का वर्ड है। तो हमारे पास एक है सेलिंग प्राइस, दूसरी है सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंस। अब आप बताएं क्या आंसर होगा इसका, सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड प्रॉफिट। बेटा खर्चा, खर्चा बेचने के लिए जो खर्चा करना पड़ रहा है वो, बेचने के लिए जो खर्चा करना पड़ रहा है वो, मुझे बताएं क्या आंसर होना चाहिए सर, इसका आंसर होना चाहिए यहाँ लिखा हुआ है सी। ठीक है ये आंसर है, सही बताया यार। अच्छा अब दूसरे सवाल की तरफ आते हैं। A trader has 2000 units of inventory of which 100 are unsaleable. Unsaleable का मतलब ये होता है कि उसकी NRV जीरो है, मतलब कोई खरीदना ही नहीं चाहता। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि एक आइटम ऐसा हो जाता है कि बिल्कुल मतलब यानी आउट ऑफ फैशन हो जाता है। खाने पीने के अंदर जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं ना वो पेरिशेबल होती हैं। तो अगर आप मिल्क पैक सेल करते हैं, जूस सेल करते हैं और एक्सपायरी डेट गुजर गई उसकी, अब वो किसी काम की नहीं, अब फेंकने के लायक है। दवाइयों के अंदर ऐसा हो जाता है कि आपने दवाई खरीदी थी, एक्सपायरी डेट गुजर गई, तो आपसे कोई नहीं लेगा क्योंकि कोई मरना नहीं चाहता, लोग जीना चाहते हैं। तो इसमें एनआरवी फिर क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो कभी भी लिखा हो ना वर्थलेस, कि एक चीज वर्थलेस हो गई है, तो इन शॉर्ट उसकी एनआरवी क्या हो गई, जीरो हो गई। अब आगे कह रहा है ईच यूनिट कॉस्ट $10 एंड द सेल प्राइस इज 20, नॉर्मली हम उसको 20 का सेल करते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। अब गौर से सुनिएगा बेटा, मैं जरा इसको आसान करता हूँ। देखिए हमारे पास 2000 यूनिट है, 2000 यूनिट में 100 यूनिट ऐसे हैं जिनकी कॉस्ट थी 10 और इनकी एनआरवी थी, एक मिनट से भर के लेगा, जीरो। अच्छा बाकी जो 2000, बाकी जो 100 के अलावा है वो कितने हो गए, वो हो गए 1900। इनकी जो कॉस्ट है वो कितनी है बेटा, वो 10 है। अच्छा इनकी एनआरवी क्या होगी, एनआरवी होती है एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंस। तो यहां सिर्फ सेलिंग प्राइस दी हुई है, सेलिंग एक्सपेंस कोई है नहीं, तो इनकी एनआरवी है 20। सर इसको कैसे करेंगे, गौर से सुनना। पहले हम आते हैं 100 यूनिट की तरफ आते हैं। 100 यूनिट की कॉस्ट कितनी है, 10 है, एनआरवी 0 है, दोनों में से कम क्या है, 0। तो आप क्या करें, 100 को मल्टीप्लाई कर दें 0 से, ये हो जाएगा 0। फिर आते हैं बाकी 19 यूनिट्स पे, इनकी कॉस्ट है 10, एनआरवी है 20, हम क्या लेंगे, हम लेंगे 10 लेंगे, 10 कम है। तो आप क्या करें, 1900 को मल्टीप्लाई कर दें 10 के साथ कर दें, ये हो जाएगा 119,000 हो जाएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और टोटल करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा ए। यहाँ तक मेरी बात क्लियर है, ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ जी, मैं आगे करवाऊँ। अच्छा जी अब आते हैं जरा अगले सवाल की तरफ आते हैं। अच्छा जी अगला सवाल देखते हैं। X deals in two products A and B. On 31st December, the following information is available. उसके पास दो प्रोडक्ट हैं, एक प्रोडक्ट ए है, एक प्रोडक्ट बी, दोनों की कॉस्ट भी दी हुई, दोनों की एनआरवी भी दी है। जब वो कैटेगरीज बना के दे ना, तो हम हर कैटेगरी को अलग अलग चेक करेंगे, हर कैटेगरी को अलग अलग चेक करेंगे। पहले आते हैं फर्स्ट कैटेगरी पे, प्रोडक्ट ए पे आते हैं। कॉस्ट भी दी हुई है, एनआरवी भी दी है, दोनों में से क्या कम है सर, जो कम है वो सेलेक्ट करते हैं, वो कितना है, 1500। फिर आते हैं प्रोडक्ट बी के ऊपर, उसकी कॉस्ट भी दी हुई है, एनआरवी भी दी है, दोनों में से क्या कम है सर, कम लेंगे, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी, मैंने यहां बताया था आपको ऑलरेडी, जो कम है वो लेंगे बेटा। ठीक है, तो हमारे पास दोनों में से क्या कम है,
3,500 ये हमारे पास कमा रहा है, तो आप इन दोनों को प्लस कर लें, 1500 इसका और 3500 इसका। हमें गेन नहीं रिकॉर्ड करना, लॉस रिकॉर्ड करना है, तो ये हो जाएगा 5,000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो हम टिक करेंगे किसके ऊपर, 5,000 के ऊपर टिक करेंगे इस पर। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर है। अब अगले सवाल की तरफ आते हैं। कह रहा है एक बंदे के पास 1500 यूनिट थे, 1500 यूनिट में 50 यूनिट ऐसे हैं कि हम 10 रुपए का बेच सकते हैं उनको, हर यूनिट उसको 15 का पड़ा है, वैसे वो 20 का बेचता है, ये बताएं उसकी इन्वेंट्री की वैल्यू क्या होगी। मैं जरा आसान करके देता हूं, 1500 यूनिट है, 1500 यूनिट में 50 यूनिट जो है उनको अलग कर देता हूं, बाकी 1450 को मैं अलग कर देता हूं। ठीक, ये जो 50 है हमारे पास, इनकी कॉस्ट क्या है, इनकी कॉस्ट है 15 और इनकी कॉस्ट भी है 15 और इनकी एनआरवी जो है, इसकी एनआरवी दी है 10 और एनआरवी इसकी नहीं दी, सेलिंग प्राइस दी है। तो नॉर्मली अगर सेलिंग प्राइस दी है और कोई सेलिंग एक्सपेंस नहीं है तो वही एनआरवी हो जाएगा, इनकी एनआरवी है 20। अब आप मुझे बताएं व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी, 1500 यूनिट की क्या वैल्यू होगी, आप मुझे बताएं। जी बेटा, बेटा आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, क्योंकि एनआरवी कम है 50 यूनिट की और कॉस्ट यहाँ कम है, तो 50 × 10 500 हो जाएगा, और 1450 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, आप देख लीजिएगा अल्लाह भला करे, 14,500, फिर उसका आधा करेंगे 7,250। तो देख लें क्या आंसर आ रहा है बेटा, 21,750। बट यहाँ तो आंसर नहीं है बेटा, चेक करें हमने कोई मिस्टेक तो नहीं की, 1450 × 15 करें और 50 × 10 करें। जी बेटा, ये हो जाएगा 500। ठीक है, और ये दूसरा चेक करें कितना हो जाएगा, मेरे ख्याल से इसका आंसर ए आना चाहिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप चेक कर लें इसका आंसर ए आ रहा है नहीं आ रहा। बेटा बी क्विक बेटा, 21,750 ही आ रहा है, मैं देखूं ये क्या वजह है, ऐसा होना नहीं चाहिए बेटा, मैं एक मिनट कंफर्म करता हूं। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया ना, 1450 × 15 उसका आंसर, इसका आंसर तो 21,750 हो गया, फिर प्लस भी तो करेंगे ना, 500 भी तो प्लस करेंगे ना बेटा, आपको टोटल बताना है ना बेटा, देखिए हमें टोटल बताना है ना। ठीक है, ओ कोई इशू नहीं, कोई इशू हो जाता है, तो ये हो जाएगा 22,250। ठीक, अच्छा जी, अब अगला सवाल, इसका आंसर दें मुझे आप जल्दी से, अगले सवाल का जल्दी से आंसर दें। IS2 क्या कहता है, ABCD अभी आपसे बात हुई है, ये इन्वेंट्री को कैसे वैल्यू किया जाएगा। बी क्विक बेटा, आपने सही फरमाया, सी आएगा इसका, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रिलेवी, हम पढ़ चुके हैं। अब आगे चलते हैं, आगे वो कह रहा है कि अ ट्रेडर प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट हर ओनली टू आइटम ऑफ इन्वेंट्री ऑन 31st में। अब यहां क्या इशू है, यहां इसने आपको एक कॉस्ट दे दी, एनआरवी नहीं दी इसने आपको, एनआरवी आपको फाइंड करनी पड़ेगी। एनआरवी कैसे फाइंड करते हैं, सेलिंग प्राइस में से सेलिंग एक्सपेंस माइनस कर दें, अगर सेलिंग एक्सपेंस नहीं होगा तो फिर सेलिंग प्राइस ही एनआरवी हो जाएगी, तो जो आइटम एक्स है उसकी एनआरवी कितनी हो जाएगी, 20, और जो आइटम वाई है उसका सेलिंग एक्सपेंस भी दिया हुआ है और सेलिंग प्राइस भी दी हुई है, तो 25 − 6 ये हो जाएगा 19। अब आप कंपेयर करें, इसको आप भूल जाएं, आप कॉस्ट को और इस कॉलम को कंपेयर करें, देखें दोनों में से कौन सा कम है।
तो मैं जरा आपको करके दिखाता हूँ। पहला हम आते हैं कॉस्ट पे, तो अगर हम आइटम एक्स की बात करते हैं तो आइटम एक्स की एनआरवी कम है, और जब हम आइटम वाई की बात करते हैं तो आइटम वाई के अंदर भी एनआरवी क्या है, कम है। एक मिनट बेटा सफर कीजिएगा। तो ये हो जाएगा 20 प्लस 19, तो आपका अल्लाह भला करे ये हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा इसका। यहां तक बातें क्लियर है बेटा, चीजें समझ में आ रही है आपको? ठीक 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 ठीक। चलो कुछ दो तीन सवाल करते हैं, फिर मैं आपको होमवर्क पे दे दूंगा। हाउ शुड इन्वेंट्री बी वैल्यूड, बहुत आसान है। अच्छा बेटा ये ख्याल कीजिएगा, सेलिंग प्राइस और एनआरवी में फर्क होता है। एनआरवी का मतलब होता है नेट सेलिंग प्राइस, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी, लोअर ऑफ नेट रियलाइजेबल वैल्यू एंड कॉस्ट, दोनों में से जो कम है उस पर। इससे फर्क नहीं पड़ता, कॉस्ट पहले लिखे हैं बाद में लिखे, इससे फर्क नहीं पड़ता। अब ये सवाल थोड़ा सा अच्छा सवाल है, थोड़ा घुमाने वाला सवाल। देखिए हमारे पास यहाँ पर आइटम की क्वांटिटी दी हुई है, क्वांटिटी को हम बाद में देखेंगे, पहले इन दोनों को देख लेते हैं। दोनों में से पहले कौन सा कम है उसको जरा हाईलाइट कर लेते हैं। तो कॉस्ट 3 है, एनआरवी 4 है, आइटम एक्स की कॉस्ट कम है, हाईलाइट कर दें। आइटम वाई पे आते हैं, कॉस्ट 6 है, एनआरवी 5 है, एनआरवी को हाईलाइट कर लेते हैं। सर इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास जो आइटम एक्स है उसकी कॉस्ट कम है वो है 3, और टोटल यूनिट है उसके 300, तो 300 को मल्टीप्लाई कर दें 3 से। आई होप कि आंसर आ जाएगा 3 3 9, ये हो जाएगा 900। ठीक, और जो आइटम वाई है उसके 600 यूनिट हैं और उसकी एनआरवी कम थी वो थी 5, तो 600 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 3000, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और इसका टोटल करेंगे तो टोटल आपका हो जाएगा 3900। तो हमारे पास एनआरवी जिसकी और टोटल जो इन्वेंट्री वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3900। यहां तक बातें क्लियर है बेटा? ठीक, अब ये वाला सवाल आप कीजिएगा, मैं जरा समझा देता हूं। इस सवाल में ये कह रहा है कि एक ट्रेडर था, उसने गुड्स बाय किए, गुड्स की कॉस्ट ये थी, मैं हाईलाइट कर देता हूं, ये कॉस्ट है, ये इसकी कॉस्ट है, और वो हर आइटम को सेल करता था 20 रुपए का। ठीक, नॉर्मली 20 रुपए का सेल करता था नॉर्मली। उसके पास अभी 1000 यूनिट है और 1000 यूनिट में 100 यूनिट ऐसे हैं, 100 यूनिट ऐसे हैं जिनकी वैल्यू है 5 के बराबर, मतलब पेरिशेबल थे, एक्सपायर हो गए, अब वो 5 के बिकेंगे। ठीक है, या पैकिंग खराब हो गई, अब 5 के बिकेंगे, बाकी नॉर्मल है। तो मैं आसान कर देता हूँ, टोटल जो यूनिट थे हमारे पास थे 1000, 1000 में 100 यूनिट को अलग कर लेता हूँ जिनमें थोड़ा मसला है, और बाकी 900 यूनिट को अलग कर देता हूँ जो कि नॉर्मल है। कॉस्ट जो ये बता रहा है, कॉस्ट नॉर्मली कितनी थी 10, नॉर्मली कितनी थी 10, और जो एनआरवी बता रहा है, अच्छा एनआरवी क्या होती है, अब वो कितने का बिकेगा, सब कुछ हटा गया, तो नॉर्मली वो चीज़ सेल करता है कितने की, 20 की। तो ये जो नॉर्मल यूनिट है इनकी एनआरवी 20 ही होगी, जो सेलिंग प्राइस है वही इनकी एनआरवी होगी, और जो एबनॉर्मल है जिसमें मसला आ गया है वो हमारे पास कितने के हिसाब से बिकेंगे, वो 5 के हिसाब से बिकेंगे। अब आप बताएं व्हाट वुड बी द, आपने लिखा है ए, चेक कर लेते हैं बेटा। इसमें हमारे पास देखेंगे तो ये इसकी एनआरवी कम है और यहाँ कॉस्ट कम है, तो सिंपल है बेटा, 100 × 5 ये हो जाएगा 500, और 900 × 10 ये हो जाएगा 9000, और इन दोनों को अगर हम प्लस कर लें अल्लाह भला करे ये हो जाएगा 9500, तो हमारे पास का आंसर आ जाएगा ए आंसर आ जाएगा। यहाँ तक बातें क्लियर है बेटा, एनी इशू? तो ये था आज का हमारा टॉपिक इन्वेंट्री वैल्यूएशन, और भी सवाल हैं जो कि आपने करने होंगे, तो ये मैं आपको भेज दूंगा, आप कर लीजिएगा सारे सवाल, इट मीन्स आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये अब हमारा जो टॉपिक रहता है ना, एक इनकम्प्लीट रिकॉर्ड रहता है, एक पार्टनरशिप रहता है, और एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट रहता है। तो मैं पहले इजी टॉपिक करा लेता हूँ ताकि आपकी जिंदगी हो जाए आसान। तो कल तो मैं क्लास नहीं लूंगा, लेकिन परसों मैं आपको कराऊंगा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, सारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट करा दूंगा और उसके एमसीक्यूज भी करा दूंगा। ठीक है, फिर हम पार्टनरशिप और इनकम रिकॉर्ड करेंगे, और आप पुराना काम पीछे करते जाइएगा, जो टॉपिक्स हैं डेप्रिसिएशन वगैरह है, जो भी टॉपिक हैं ये आप करते जाइएगा। इसमें कोई भी आपको मसला हो मुझे व्हाट्सएप वगैरह कर सकते हैं।